सुप्रभात प्रिय बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के संदर्भ की बात हम यहाँ करेंगे। शब्द कैसे निर्मित होते हैं और वे शब्द किस प्रकार से हमारे जीवन में बड़ी ही उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, आज इस यहाँ पर हम लोग ये रचना के आधार पर शब्द को विभाजित कर करके उसके संदर्भ की चर्चा हम यहाँ करेंगे। इसके आधार पर तीन भेद हैं। पहला भेद है रूढ़। यहाँ पर ये रूढ़ शब्द एक नंबर में ये रूढ़ हो गया। दूसरा हो जाएगा यौगिक और तीसरा होगा यौगिक। ये तीन शब्द हो गए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूढ़ क्या है। इसको एक नंबर, हम कोई एक शब्द लेते हैं और उसके खंड करते हैं। यदि खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे काम, इसको अगर हम का जोड़ म, ये दोनों को देखते हैं और इसमें यह देखते हैं कि न तो पहले जो शब्दांश है उसका कुछ अर्थ हुआ और न तो दूसरे शब्द का कुछ अर्थ हुआ। तो जहाँ पर ऐसे शब्द निर्मित होते हैं इसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं, लेकिन वास्तव में इन शब्दों का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये आपके रूढ़ हो गए। इसके बाद आइए यौगिक। दूसरा यौगिक, इसमें पहले की तुलना में, पहला जो रूढ़ था उसके तुलना में हमने खंड किया, खंड के कोई अर्थ नहीं हुए इसलिए वह रूढ़ हो गया। लेकिन यदि हम इसमें देखें, जैसे एक ऐसा शब्द लें जो दोनों शब्दों का समान अर्थ हो, जैसे हिमालय, हिम जोड़ आलय, इसमें हिम का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम उसके टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं और दोनों का जहां अर्थ हमें समान रूप से प्राप्त होते हैं, ऐसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये मैंने लिखा आपको हिमालय। इसके बाद तीसरा जो शब्द है वह शब्द है आपका यौगरूढ़। तीसरा शब्द क्या है? यौगरूढ़। इसकी परिभाषा है कि जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ चारपाई, चार पांव हैं, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट है न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज एक शब्द लेते हैं, पंख कीचड़, ज का मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पर समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ जहाँ ग्रहण करता हो कमल, ऐसे में हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ कहेंगे। जैसे चार पाई, नहीं चार पाई का मतलब क्या हुआ, खाट, विशेष अर्थ में। इसके साथ साथ
पंकज, प अनुस्वार, क और ज, इसका मतलब क्या होगा? कमल। ये समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ जो ग्रहण करते हैं, नहीं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निश्चित रूप से योग रूढ़ कहते हैं। तो आप स्पष्ट हो गया, पहला जो रूढ़ है, हम शब्द लेते हैं, शब्द को खंडों में विभक्त कहते हैं, उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए उसे हम रूढ़ कहते हैं, लेकिन जो शब्द हैं उसका मौलिक अर्थ हैं यौगिक। दोनों शब्दों को खंड करते हैं या जो भी खंड होता है उन सभी खंडों का एक समुचित अर्थ होता है, ऐसे शब्द को हम यौगिक कहते हैं। तीसरा हुआ यौगरूढ़, वे शब्द जो वास्तव में अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं और ऐसी स्थिति में ऐसे शब्द को हम कहते हैं यौगरूढ़। जैसे पंकज, पंक में जन्म लेने वाला, इसका समान अर्थ हुआ लेकिन विशिष्ट अर्थ में क्या होगा? कमल, चार पाई, इसके चार पांव हैं अर्थात खाट। नहीं तो अंतर विशिष्ट होता है लेकिन अर्थ इस प्रकार से बनते हैं और इस प्रकार से रचना के दृष्टिकोण से हम ये रूढ़ और यौगिक और यौगरूढ़ तीनों को हमने आपको बताया। और इस प्रकार से आपको कोई भी शब्द यदि निर्मित करते हैं, बनाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से शब्द रचना में उनको भेद कर कर करके शब्दों को सही ढंग से निरूपित किया जाए। इसके बाद हम लोग आएंगे प्रयोग के आधार पर शब्द रचना। दूसरा जो होगा वह होगा प्रयोग के आधार पर शब्द रचना। प्रयोग के आधार पर शब्दभेद या शब्द रचना, इसके दो भेद हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी इसमें हम लोग देखेंगे, जब भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है तब व्याकरणिक दृष्टि से उन्हें संज्ञा, सर्वनाम आदि किस रूप में समझा जाता है, इसी आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, जैसे लड़का से लड़के, लिंग के आधार पर लड़का का लड़की और अन्य प्रकार के जो रूप परिवर्तित होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आते हैं और उसमें विकार परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। और मौलिक रूप से ये कहाँ देखे जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण में। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर विकार का कोई अंतर प्रभाव नहीं पड़ता, वे जस के तस उसी रूप में बने हुए रहते हैं। विकारी अविकारी शब्द, उन जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में एक ही रूप प्रयुक्त होता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द होते हैं, जैसे जहाँ और लगभग, तक आदि, लेकिन, किंतु, परंतु आदि आदि। तो इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, विकारी और अविकारी, और
रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद रूढ़, यौगिक और अवरूढ़ आपको बताया गया। इन बातों को आप स्पष्ट रूप से याद करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन अन्य बातों को निमित्त किया जाएगा। धन्यवाद।